Hello students, welcome to IBS online classes. I hope everyone is doing well. Let's start with the important news items for today. सबसे पहले हम देखते हैं जो भी highlights रही आज के दिन की. The government approves 122 new research projects under imprint scheme. Ajay Datta becomes the first Indian to get elected as ICANN CCNSO council member. The government launches bidder information management system and Bhumi Rashi. India and Thailand's joint military exercise is being held in Thailand recently. China successfully tests first hypersonic aircraft Zing Kong 2. And Startup India launches the Startup Academia Alliance program. So these were the highlights of the day. इसके बाद चलते हैं डिटेल डिस्कशन पे और सबसे पहले हम बात करेंगे जो 122 नए रिसर्च प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं गवर्नमेंट ने इम्प्रिंट स्कीम के अंडर. तो जो ये अप्रूवल है ये दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा और इसकी जो टोटल फंडिंग रहेगी 122 प्रोजेक्ट्स की वो रहेगी 112 करोड़. और ये जो फंडिंग दी गई है ये इम्प्रिंट स्कीम के सेकेंड फेज के अंडर दी गई है और इम्प्रिंट का जो फुल फॉर्म है वो है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये अप्रूव किए हैं इम्प्रिंट 2 की एपिक्स कमेटी ने जिसके चेयरमैन हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर और ये जो मीटिंग हुई थी ये नई दिल्ली में हुई थी. तो जो ये 122 नए रिसर्च प्रोजेक्ट हैं इनका जो मेन एम है वो है कि रिसर्च करना एनर्जी हेल्थ केयर सिक्योरिटी और डिफेंस डोमेन्स में इन दी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने 122 नए प्रोजेक्ट जो हैं अप्रूव किए हैं इम्प्रिंट 2 स्कीम के अंडर. थोड़ा सा इम्प्रिंट स्कीम के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. तो ये पहली ऐसी स्कीम है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने सपोर्ट की है और इसका जो मेन एम है वो है कि जितने भी साइंस और इंजीनियरिंग चैलेंजेस फेस करता है हमारी कंट्री उनको सॉल्व करना और रिसर्च को बूस्ट करना. तो 10 इन्होंने ऐसे डोमेन्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है साइंटिफिक रिसर्च की. तो ये जो स्कीम है इसको नवंबर 2015 में लॉन्च किया गया था और एम था कि एक नई एजुकेशन इंजीनियरिंग पॉलिसी बनानी है और जितने भी करेंटली इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए भी एक रोड मैप बनाना है कि किस तरीके से उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो जो डोमेन्स हैं कौन कौन सी थी वो हेल्थ केयर कंप्यूटर साइंस एंड ICT एडवांस मटेरियल्स वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर सिस्टम सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन डिफेंस नैनो टेक्नोलॉजी हार्डवेयर इन्वायरमेंटल साइंस एंड क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी सिक्योरिटी. तो ये थी वो 10 डोमेन्स. इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे. अजय दाता बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू गेट इलेक्टेड एज ICANN CCNSO काउंसिल मेंबर. तो जो नॉमिनेटिंग कमेटी थी ICANN की ICANN स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स उन्होंने सिलेक्ट किया है अजय दाता को एज द न्यू काउंसिल मेंबर ऑफ द कंट्री कोड सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो इसी के साथ अजय दाता पहले ऐसे इंडियन बन गए हैं जो कि CCNSO के एक मेंबर बने हैं. तो जो CCNSO है वो क्या है ये एक पॉलिसी डेवलपिंग बॉडी है ICANN की फॉर दी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स इश्यूज एंड ये जो है रिप्रेजेंट करती है जितनी भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उसमें जो टॉप लेवल के डोमेन ऑपरेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है ये कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स. तो CCNSO जो है पॉलिसी डेवलपमेंट बॉडी है. तो डोमेन यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है इसका क्या मतलब होता है जो भी हम लोग डोमेन्स मतलब जैसे हम @gmail.com यूज़ करते हैं या फिर @ymail.com यूज़ करते हैं तो ये gmail ymail जितनी भी ऐसे वाले शब्द हैं इनको डोमेन्स बोला जाता है. तो उस डोमेन्स के ऑपरेशंस को जो भी प्रोग्रेस देखता है उनकी जो भी उसको फॉर्म करता है उसको बोलते हैं डोमेन ऑपरेटर्स. तो जो अजय दाता हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को ग्लोबल लेवल पे और एज वेल एज एशिया ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे वो जब वो मेंबर ऑफ CCNSO होंगे. तो उनको इलेक्ट किया गया है 2 साल के लिए और ये वो पोजीशन लेंगे जब ICANN का 63rd मीटिंग हो रही होगी स्पेन में इन अक्टूबर 2018. इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं अजय दाता के बारे में. ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट पर्सनालिटी हैं. ये फाउंडर हैं और CEO हैं दाता एक्सजेन प्लस के और ये एक ग्लोबल लीडर भी हैं इन दी ईमेल लिंग्विस्टिक सर्विसेज. तो इन्होंने ही जो वर्ल्ड का सबसे पहला ईमेल एड्रेस मोबाइल ऐप था वो क्रिएट किया था. इसी के साथ इनको इनोवेशन के लिए ग्राहम बेल अवार्ड भी दिया जा चुका है.
और इसी के साथ इनको जो है क्रेडिटेड है कि इन्होंने वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनलाइज्ड ईमेल एड्रेस बनाया था 19 लैंग्वेजेस में थ्रू दी डाटा मेल ऐप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा आईकैन के बारे में भी जान लेते हैं। आईकैन स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। तो जो आईकैन है ये एक प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी जो मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जितने भी डोमेन नेम्स हैं इंटरनेट पे उनको सुपरवाइज करना। तो इसको फाउंड किया गया था 1998 में और जिसके हेडक्वार्टर्स हैं वो लॉस एंजलिस USA में है। तो आईकैन के जो मेन फंक्शंस हैं वो है कि जो जितने भी ग्लोबल इंटरनेट सिस्टम हैं उनके यूनिक आइडेंटिफायर्स को कोऑर्डिनेट करना, जो आईपी एड्रेसेस हैं या फिर डोमेन नेम्स हैं उनको एलोकेट करना, ये इंश्योर करना कि जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटरनेट पे वो सेफ़ हैं और सिक्योर हैं, और जितने भी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस स्पेसेस हैं मतलब आईपी एड्रेसेस हैं उनको भी कोऑर्डिनेट आईकैन ही करता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आईकैन के बारे में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ गवर्नमेंट लॉन्चेस द बिडर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड भूमि राशि। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे दैट इज़ मॉर्थ, इन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक है बिम्स दैट इज़ बिडर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेकेंड है भूमि राशि। तो इसको जो मेन एम है वो है कि जितनी भी प्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस हैं जैसे कि बिडिंग कब होगी, किस तरीके से होगी, या फिर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सबको जल्दी से ख़त्म करने के लिए और स्पीड अप करने के लिए ये जो दोनों पोर्टल्स हैं ये लॉन्च किए गए हैं। तो जो बिम्स पोर्टल है, बिडर इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट पोर्टल, उस पे जितने भी बिडर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई किया है और जितने भी नेशनल हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो किस तरीके से किसको दिए जाएंगे उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इसी के साथ जो भूमि राशि पोर्टल है इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ने विद नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलके। तो इसमें जितना भी हमारी कंट्री का रेवेन्यू डाटा है सारा आपको मिल जाएगा। तो जो भूमि राशि पोर्टल है उसको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी जोड़ दिया गया है ताकि जितनी भी पेमेंट्स हैं कंपनसेशन या फिर लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड वो जल्दी से जल्दी हो सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, ये दो इनिशिएटिव्स के नाम क्या हैं, बिम्स और भूमि राशि, और दूसरा इसको लॉन्च किया है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज़ अबाउट मैत्री 2018। तो जो मैत्री है ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। तो जो इंडियन आर्मी है और रॉयल थाईलैंड आर्मी है उनके बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है 6 से 19 अगस्त के बीच में, और इस बार ये जो कंडक्ट की जा रही है थाईलैंड में ही हो रही है। और इनका जो मेन एम है वो है कि दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना ताकि कभी भी कोई अगर टेररिस्ट इशूज़ आ सके तो उनको हम ईजिली काउंटर कर सकें, और टैक्टिकली एज वेल एज टेक्निकली भी हमारी जो आर्मीज हैं उनको स्किल करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जिंग कॉन्ग 2 दैट इज़ द चाइना सक्सेसफुली टेस्ट द फर्स्ट हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट। तो जो चाइना का पहला हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिंग कॉन्ग 2 मतलब स्टेरी स्काई 2, इसको उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रिसेंटली। तो ये जो है शॉक वेव्स यूज़ करता है जो कि जनरेट की जाती हैं हाइपरसोनिक फ्लाइट विद एयर टू ग्लाइड एट हाई स्पीड से। तो जो ये वेव राइडर है इसको डेवलप किया गया है चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनामिक्स के साथ, और इसके साथ मिलके चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले ये हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट चाइना का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है, इसका नाम है जिंग कॉन्ग 2, इसको डेवलप किया है चाइना एकेडमी ऑफ एरोस्पेस एरोडायनामिक्स ने चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन के साथ मिलके। स्टार्टअप इंडिया लॉन्चेस द स्टार्टअप अकेडमिया अलायंस प्रोग्राम। तो जो स्टार्टअप इंडिया है उन्होंने ये स्टार्टअप अकेडमिया अलायंस प्रोग्राम लॉन्च किया है, और जो इसका मेन एम है वो है जो गवर्नमेंट का मिशन है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का हमारी कंट्री में, वो फुलफ़िल किया जा सके। तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जो एकेडमिक स्कॉलर्स को स्टार्टअप्स के साथ मिलाने की हेल्प करता है जो कि सेम डोमेन में काम कर रहे थे। इसी के साथ जो इंडिया की साइंटिफिक रिसर्च है और उसकी जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में एप्लीकेशन होती है उसमें जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए और कम करने के लिए ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है। तो जो पहला प्रोग्राम फेज़ है उसका ये लॉन्च किया है बाय पार्टनरिंग विद द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर एंड टेरी स्कूल ऑफ एकेडमिक स्टडीज के साथ मिलकर।
थोड़ा सा आप स्टार्टअप इंडिया के बारे में जान लेते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया है, ये कैंपेन शुरू किया गया था 15 अगस्त 2015 को, और इसको स्टार्ट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ स्टार्टअप इंडिया के अंडर होती हैं, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कंडक्ट करवाता है। तो मेन एम इनका क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ताकि जो इनोवेशन और स्टार्टअप्स हैं उनको हमारी कंट्री में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो इसका मेन एक्शन प्लान है वो 3 पिलर्स के ऊपर है, दैट इज़ सिंप्लीफिकेशन एंड लैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो स्टार्टअप इंडिया उसको 2015 में स्टार्ट किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है, और इसके जो ये 3 पिलर्स हैं, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और इंडस्ट्री अकेडमिया पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।